तो इकोनोमाइजर वर्ड को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। मैं एक टॉपिक डिस्कस करना शुरू किया था जिसमें मैंने शुरुआत यहां से की थी कि जो वेस्ट होता है, हीट होता है, ठीक है, जो वेस्ट होता है, वेस्ट हीट, वेस्ट हीट रिकवरी, वेस्ट हीट रिकवरी। अच्छा देखो, तुमने देखा होगा बेटा, ये तुम्हारा एग्जांपल, तुम्हारा घर है, ठीक है, तो तुम्हारे घर से तुम खाना बनाते हो, तुम नहीं बनाते, तुम्हारे मम्मी बनाती है, चाहे हम कोई बनाता है, चिमनी लगी होती है या चिमनी नहीं भी, तो ये क्या है जो आप हीट प्रोड्यूस कर रहे हो खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो खाना तो बन गया, खाना पक गया, लेकिन उस हीट को प्राप्त करने के लिए आपने बहुत सारे ईंधन को चलाया, जैसे एलपीजी चलाया, या फिर मान लो अंगीठी बना रहे हो तो कोयला जलाया, उपले बना रहे हो तो उपला जलाया, लकड़ी पे लकड़ी जलाया, मतलब कोई ना कोई आपने ईंधन जलाया, ईंधन को यूज किया, और एक बार आपका हीट प्रोड्यूस हुआ तो खाना पक तो बन गया, लेकिन उस हीट का क्या, वापस वो हीट क्या हमारे लिए वेस्ट हो गया ना बेटा, वो हीट हमारे लिए क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो वेस्ट हीट को रिकवर कैसे किया जाए, ठीक है, या वेस्ट हीट की रिकवरी क्या हो सकती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, समझ रहे हो बात। तो अगर क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमने खाना बनाया घर में अपने किचन में, उससे जो गैसेस निकली, चाहे जो हीट निकला, उस हीट को हम दोबारा इस्तेमाल करें किसी तरह से, एनी हाउ, चाहे वो किसी और काम के लिए, पानी गर्म करने के लिए हो सकता है, या फिर किसी भी और ऐसे काम के लिए जो हम कर सकते हैं। तो सोचो, वो तो हमारा घर है, छोटा सा किचन है, ठीक है, दो चार बर्नर होता है, दस लोग, चार लोग, पांच लोग खाना बनता है। इंडस्ट्री की अगर बात किया जाए, इंडस्ट्री में आपने चिमनी देखा है ना, आप ईंटे का भट्टा देखते हो, ईंटे का भट्टा ऐसे होता है, क्या होता है, खूब सारी गैसेस निकलती है, यहाँ से हीट निकलता है, क्या है इसे, क्या बोलते हैं इसे, कहते हैं फ्ल्यू गैस, याद रखना बेटा वर्ड, फ्ल्यू, FLUE, फ्ल्यू गैस, ठीक है, फ्ल्यू गैस। तो ये जो हीट निकल रहा है ना बेटा, ये तो वेस्ट हो गया, एनवायरमेंट में गया, एनवायरमेंट तो हमारा जो है वो इसको एब्जॉर्ब कर लिया, हम इसको, आपको पता है ना, जब कोई हीट की भट्टी चलती है तो आपने अपने आसपास से आपने देखा होगा, तो एक समय होता है जिसमें कोयले की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि कोयला जो है ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, एक तरफ मजदूर जो है वो सांचे से, मिट्टी से ईंट को बनाता है, और एक तरफ कोयला जब पड़ता है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, एक तरह से ये भट्टी है ना, फर्नेस, भट्टी तो बहुत गर्म होता है। तो अब इस भट्टी का टेम्परेचर इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा इससे हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस वेस्ट को, जो वेस्ट निकल गया यहाँ से, हीट निकल रहा है, किसी भी फॉर्म में निकल सकता है, वो गैस के फॉर्म में हो सकता है, वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो सकता है, उसको हम दोबारा भी रिकवर करें या उसको दोबारा इस्तेमाल करें, ठीक है, ये चीज होती है वेस्ट हीट रिकवरी, ठीक, वापस रिकवर करें। अब आते हैं कॉन्सेप्ट इकोनोमाइजर पे। देखो, इकोनोमाइजर में क्या है, आप समझना कि आप थर्मल पावर प्लांट का एग्जांपल दो, थर्मल पावर प्लांट का एक एग्जांपल लेके चल रहा है, हमको हर जगह वही, देखो पावर प्लांट में ना बहुत ज्यादा आपको डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे, ठीक है, अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है ना हमको, वो है कि एनर्जी प्रोड्यूस करना, और उसके लिए हमको चाहिए हीट, ठीक है, चाहे अगर आप न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करो, चाहे आप नाभिकीय संलयन करो, नाभिकीय विखंडन करो, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन करो, या फिर आप डीजल इंजन करो, या कोयले से करो, या किसी भी मोड से करो, तो आपको अल्टीमेटली हीट प्रोड्यूस करना है, ठीक है, सारी जो जद्दोजहद है किसके लिए, हीट के लिए, और इस हीट को फिर हम दोबारा क्या करते हैं, थर्मल पावर प्लांट की अगर हम बात करें, तो इस हीट को हम, उष्मा को हम बॉयलर, बॉयलर मतलब अंडा तो खाते हो ना बॉयल, ठीक है, बॉयलर, तो बॉयल मतलब क्या, इसको हम पानी को हीट बॉयल करते हैं, वाटर को बॉयलर में बॉयल करते हैं इस उष्मा से, और जब बॉयलर में बॉयल हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा यहाँ पे पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वह वाटर जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, भाप, समझ में आया, भाप,
और जब एक बार ये भाप हो जाता है तो भाप भी मॉइस्चर होता है, नॉन मॉइस्चर भी होता है। तो एनी हाउ हम मॉइस्चर को हटा देते हैं, यानी कि जो भाप में नमी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है ना बेटा कि कोई भी अगर ऐसा मेटल है, ठीक है, वहां पे एक रस्टिंग की घटना होती है, जिसे हम कहते हैं क्षरण, हिंदी में कहें शुद्ध भाषा में तो जंग लगना। ठीक है, जहां मॉइस्चर होगा ना वहां पे अभिक्रिया बहुत ज्यादा होती है, ऑक्सीडेशन, यानी कि वहां पे क्षरण की घटना बहुत तगड़े तरीके से होती, बहुत ज्यादा होती है। तो पता चला कि भाप में भी मॉइस्चर है, यानी कि नमी है, और आपने एक टर्बाइन को रोटेट कराना है, एक टर्बाइन को इसी भाप से रोटेट कराना है, इस भाप से। तो टर्बाइन तो भाई कहीं ना कहीं स्टील, आयरन, इन्हीं चीज का बना हुआ है, तो काफी लंबे समय तक इस पर जब मॉइस्चर का प्रभाव रहेगा तो धीरे धीरे टर्बाइन जो है वो क्या होगा, रस्टिंग शुरू हो जाएगी, क्षरण होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, समझ रहे। और फिर टर्बाइन बहुत महंगी आती है बेटा, बहुत महंगी आती है, करोड़ों की टर्बाइन भी आती है, बड़ी बड़ी रस्टिंग। तो फिर टर्बाइन जब बंद हो गया तो फिर आप जान रहे हो कि बिजली का इस्तेमाल और बिजली का प्रोडक्शन सब बंद हो जाएगा, अर्थव्यवस्था हमारी पूरी तरह से चरमराने लगी, क्योंकि सब कुछ बिजली पे भरोसे चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी है तो हम आप बातें कर रहे हैं, हम क्लासेस ले रहे हैं, आपकी बातें मैं सुन रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी ही है तो ये सब हो पा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी पर बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो अब ये टर्बाइन रोटेट जब करता है बेटा ना, तो इस टर्बाइन रोटेट करने से आपको मिलती है इलेक्ट्रिसिटी, ये सबको पता है कहानी, छोटी नई बात तो है। टर्बाइन को रोटेट करने से इसके साथ लगा होता है जनरेटर या अल्टरनेटर, और अल्टरनेटर को जब घुमाते हो, जनरेटर को घुमाते हो, तो क्या मिलता है, बिजली में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। लेकिन सो जद्दोजहद हमारी है, जो पूरा हमारा टारगेट है वो क्या था, हीट को प्रोड्यूस करना, और उस हीट को प्रोड्यूस क्यों कर रहे थे, इस भाप को पाने के लिए। अब एक बार हमारा बेटा भाप बन गया तो क्या इस भाप को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? मान लो उस भाप से हमने टर्बाइन को रोटेट कराया, अब टर्बाइन पे तो भाप का प्रभाव आया, टर्बाइन रोटेट किया, अब कॉन्टिन्यूस हीट है, कॉन्टिन्यूस बॉइलिंग हो रहा है और कॉन्टिन्यूस भाप बन रहा है, सब लगातार ये प्रक्रिया चल रही है 24/7 चौबीसों घंटे सालों भर। एक पावर प्लांट जब ऊपर चलना शुरू होता है बेटा तो 2-3 साल तक लगातार चलता है, कभी कभी मतलब मिनिमम 2-3 साल तो चलता ही है, दिन रात चलता है। ठीक है, कभी कभी उसको ओवरहॉलिंग के लिए, ठंडा करने के लिए बंद किया जाता है, अदरवाइज वो चलता ही रहता है। ठीक है, तो लगातार कोयले का इस्तेमाल कर रहे हो आप हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, लगातार आप बॉयलर में पानी, वाटर को आप हीट कर रहे हो, और लगातार भाप बन रहा है, इतना एनर्जी कंजम्पशन है। तो उस भाप का फिर दोबारा कुछ कर सकते हैं क्या? फिर कॉन्सेप्ट आता है इकोनोमाइजर का। ठीक है, इस भाप से जो टर्बाइन रोटेट हुआ है और टर्बाइन से टकराने के बाद हम क्या करते हैं, इकोनोमाइजर में इसको सेंड कर देते हैं, मतलब एक चैम्बर बनाते हैं कि वहां से जो भाप है ना टर्बाइन के चैम्बर से होते हुए वापस आ जाए। अब भाप तो है, उसका टेम्परेचर तो बहुत अच्छा खासा होगा, अगर वापस उसी भाप को इकोनोमाइजर के द्वारा भाप यहाँ पहुंचा, ठीक है, और हम वापस उसको बॉयलर के साथ अटैच कर दें, समझ रहे हो, जहां पे पानी गर्म हो रहा है, तो अब हमको जो हीट देना पड़ेगा, जो ऊष्मा देनी पड़ेगी वो तो कम हो जाएगी ना बेटा। जैसे पहले हमको ऊष्मा जो है मान लो 1000 डिग्री सेल्सियस देनी पड़ रही थी पहले, अब इकोनोमाइजर से जो भाप, मतलब जो भाप हमारा निकला टर्बाइन से होते हुए वेस्ट हो गया, वापस हमने दिया और वापस बॉयलर को दिया, तो जो यहाँ पहले से पानी है, जो पहले से वाटर है इस बॉयलर में, उसका टेम्परेचर कुछ तो बढ़ ही जाएगा। तो हो सकता है कि पहले इसका टेम्परेचर था मान लो 30 डिग्री सेल्सियस इसके अंदर जो पानी है, अब भाप आने से उसका टेम्परेचर हो गया मान लिया 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमको अब आवश्यकता कितने की है, हमको कहीं ना कहीं अब हमको 1000 डिग्री सेल्सियस नहीं देना पड़ेगा, हो सकता है हमको 700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस या 600 डिग्री सेल्सियस, इतना ही टेम्परेचर या इतना ही हीट देना पड़े। तो हमने कर लिया ना बेटा, एक तरह से
इकोनोमाइजर से अपनी क्या क्या हमने सुधार कर लिया, एक तो वेस्ट को बचाया, भाप को बचाया, ऊर्जा का संरक्षण किया, साथ ही साथ हमारा जो व्यय है, हमारा जो कॉस्ट है वो भी तो कम हो गया। अब जितना कोयला हम मान लो प्रति घंटे हम एक क्विंटल कोयला जलाते थे, यानी 100 किलो जलाते थे, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम हो सकता है कि 50 किलो जला रहे हैं, 60 किलो जला रहे हैं, प्रति घंटे की मैं बात कर रहा हूँ, 70 किलो जला रहे हैं, समझ रहे, तो 24 घंटे में कितना बचत हुआ आप देख लो। एक घंटे में अगर आप 30 किलो का बचत कर रहे हैं तो 24 घंटे में, और एक दिन में आपने देखा तो आप एक महीने का निकाल लो, ऐसे आप एक साल का निकाल लो, और ऐसे आप 2 साल 10 साल 20 साल का एस्टिमेट कर लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि हम कितना ज्यादा इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली, और मतलब क्या क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को भी हमने कम किया, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट को भी हमने कम किया, ठीक है, मतलब पैसे की बात आई, प्लस हमने अपने इसकी जो सिस्टम है, जो हमारा पावर प्लांट है, इसकी एफिशिएंसी को हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। अब आप लोगों से कोई अगर डाउट है इससे रिलेटेड, ठीक है, ये स्टोरी समझ में आ गई। अब हम जो है आगे पढ़ेंगे अपना जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 में, जो हमने शुरुआत कर दी थी, ठीक है, कि अपशिष्ट ऊष्मा की बात करेंगे, यानी कि वेस्ट हीट की बात करेंगे, वेस्ट हीट को रिकवर करने की बात करेंगे, ठीक है। अब हमको एक चीज और जानना है, थोड़ा सा मैं एक कथा की तरह समझना बात को, कि कोई भी जो ऊष्मा है, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है बेटा ना कि हमारे घर में हमारा जो किचन है, ठीक है, हमारे किचन में कोई अगर ऊष्मा हम वहां प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे खाना बना रहे हैं, तो उसकी अमाउंट तो बहुत कम है ना बेटा, उसमें मात्रा बहुत कम है, तो उस मात्रा से हम बहुत ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमको यह जानना भी आवश्यक है कि कितनी क्वांटिटी में, यानी कितनी मात्रा में ऊष्मा जो है उसका हमको मिल रही है, बात समझ रहे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ईंट के भट्टे का, तो आपको पता है कि वहां से हमको ठीक ठाक मिलेगा। अगर कोई थर्मल पावर प्लांट है, आप देखते हैं उससे भी बहुत सारी गैसेस निकलती है वायुमंडल में, तमाम तरह के हीट निकलता है, ठीक है। तो हमको यह जानना है कि कोई भी फर्नेस है, कोई भी ऐसा अरेंजमेंट है, ठीक है, उससे हम कितना क्वांटिटी को रिकवर कर सकते हैं हीट को, सब तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कितनी क्वांटिटी को हम कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला एक डिराइव किया जाता है, डिराइव किया जाता है, एक फॉर्मूला है, उसको जान लो। फॉर्मूला ये है बेटा कि क्यू इक्वल टू वी इंटू रो इंटू सीपी इंटू डेल्टा डी, डेल्टा डी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो क्या है, क्यों क्या है बेटा, देखो अब ये कहां से आया। जैसे मान लो मैंने कहा कि कहीं ये एक चिमनी है, दिमाग में इसको समझना है, कोई चिमनी है, ठीक है, इसको चिमनी, अब यहां से बहुत सारा क्या है हीट निकल रहा है, ठीक है, बहुत सारा हो रहा है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि अच्छा कितना निकास हो रहा है, कितनी क्वांटिटी हम एग्जिट हो रहा है, ठीक है, इतना यहां से निकास हो रहा है, यानी कि एग्जिट हो रहा है, समझ रहे हो, ये क्वांटिटी हमको जाननी है। तो वो फॉर्मूला हमने क्या बताया, क्यू बराबर वी रो सीपी डेल्टा टी। अब है क्या, क्यू हो गया हमारी क्वांटिटी यानी कि राशि, कितना गैस की ऊष्मा को हम निकाल रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं कैलोरी में, ठीक है। वी क्या है, वी क्या है, वीक है, वी है रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, यानी कि जो गैस है, जो गैस निकल रही है ऊष्मा के रूप में, हीट के रूप में, उसके प्रवाह की दर क्या है या उसका प्रवाह क्या है, समझ रहे हो, प्रवाह की दर,
जब मैंने कहा दर बेटा वर्ड, तो आपको सीधे समझ में आना चाहिए कि दर जो है हमेशा समय के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, तो प्रवाह की दर। आ समझ में आ रही है? तो मान लिया कि प्रवाह की दर क्या है, 2000 मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है, जैसे गैसेस क्या होता है, गैसेस को हम आयतन में डिनोट करते हैं ना, क्वांटिटी को, गैसेस की क्वांटिटी को हम लोग आयतन में डिनोट करते हैं। समझते हो इतनी बात? समझते ही। मान लो कोई गैस है, उसका नाम है सल्फर। मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, एग्जांपल दे, मान लो सल्फर गैस एग्जिट हो रही है हीट फॉर्म में इस चिमनी से। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मान लो SO2। अब किस रेट से ये फ्लो हो रहा है, कितने प्रवाह से हो रहा है? तो आपको पता है कि हम सल्फर को अगर, या कोई भी गैस है, जब उसको आयतन में डिनोट करते हैं तो हम करते हैं मीटर क्यूब, मीटर की पावर 3 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया क्या आयतन। और अगर मैं समय से इसको डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा, दर। ठीक है, तो हमने घंटे से डिवाइड कर दिया, तो हमने कहा कि मीटर क्यूब पर आवर, मीटर क्यूब पर आवर, यही क्या है, प्रवाह की दर है, दैट इज द वी। आई होप क्लियर हो। अगर मैं बात करूं रो, रो क्या है, ठीक है, रो क्या है, जो गैस निकल रही है, ठीक है, उसका घनत्व है, यानी कि डेंसिटी। हम बी का भी इस्तेमाल करते हैं, बट हम बुक में रो है तो हम रो का इस्तेमाल करते हैं, घनत्व। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने बचपन में पढ़ा होगा बट अभी भूल चुके हो। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि घनत्व का निकालने का तरीका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है घनत्व निकालने का, घनत्व तो बराबर है, आपने सबने पढ़ा होगा बट अभी भूले भी होगी बहुत, बहुतों को याद भी होगा, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। समझ रहे बात को? तो अगर हमें द्रव्यमान पता है, आयतन पता है, तो हम घनत्व निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ रहे? अब द्रव्यमान को किस में डिनोट करेंगे, किलोग्राम में, किस में होगा, किलोग्राम में, मान लो किलोग्राम में। और आयतन किस में होगा, अभी मैंने बताया आयतन मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो ये यूनिट हो जाएगी ना, केजी पर मीटर क्यूब, ये हम डिनोट करेंगे किसके लिए, ऑलराइट, क्लियर है? ठीक है, अब सीपी है, सीपी के बारे में आपने भी पढ़ा होगा, दैट इज द सीपी। सीपी क्या होता है, इसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। आपने जरूर 10th में पढ़ा होगा, 12th में नाम सुना होगा, भूल गए होगे। विशिष्ट ऊष्मा, ये पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा होती है सीपी। इसका मान कांस्टेंट होता है हर पदार्थ के हिसाब से। मान लो पानी की बात कर रहे हो, बर्फ की बात कर रहे हो, ना तेल की बात कर रहे हो, ठीक है, तो सबका जो मान होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो अगर मैं कहूँ कि विशिष्ट ऊष्मा है क्या, सीपी है क्या, एक डिफिनीशन आती है बेटा कि किसी भी सब्सटेंस या किसी भी वाटर बॉडी, मान लो हम वाटर बॉडी का इस्तेमाल करें, वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो, या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। स्टैंडर्ड डिफिनेशन ये कहता है कि 14.5 डिग्री सेल्सियस से, समझ रहे हो बात को, ऐसे ही कुछ था, मैंने बहुत बचपन में पढ़ा था, बहुत दिन बाद ये टॉपिक आया है, बस चेक कर लेना, 15.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाना है, समझे? ठीक है, यानी कितना हो गया, 14.5 से 15.5, यानी कि डिफरेंस कितने का है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने कह दिया कि 1 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उसके लिए जो हमको आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी वही होगी विशिष्ट ऊष्मा। अगर हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस ऑयल का टेम्परेचर बढ़ाना है तो हम कहेंगे उसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी उसे कहेंगे विशिष्ट ऊष्मा, उस तेल की, उस ऑयल की। तो ऐसे तो हो सकता है जो गैस निकल रही है सल्फर, तो सल्फर का भी तो विशिष्ट ऊष्मा कुछ ना कुछ होगा, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है
तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर इसका भी विशिष्ट ऊष्मा होगा, तो वो हम निकालते हैं कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा को डिनोट करते हैं, ठीक है, कैलोरी यानी किलो कैलोरी कर दो, एमसीपी डेल्टा टी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी तो कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी जो है वो टेम्परेचर का डिफरेंस है, ताप का अंतर है, ठीक है। और जनरली जो विशिष्ट ऊष्मा होती है किसी भी फ्लू गैस की जो एग्जिट कर रहा है वो पॉइंट के आसपास, जैसे इसमें बुक में दिया है आपके 0.24, ठीक है, 0.24, 0.25 इतना ही होता है, ठीक है। तो यहां से सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट करके मान रख करके हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, क्यू का मान निकाल सकते हैं, यानी कि कितनी ऊष्मा की मात्रा हमको हीट रिकवर करना है उसकी मात्रा निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्या किसी को समस्या है तो वो मुझसे पूछ सकता है, आई होप चीजें अभी स्पष्ट होंगी। तो दोबारा बता दूं इसको, बोलो बच्चा, तो बोलोगे तब तो बढ़ाएंगे।
बेटा टाइम टेबल के हिसाब से अपना टाइमिंग देख लो, जो इनसे अगर मेरी क्लास है तो मैसेज नहीं भी आता है तो आप आ जाएगा, ठीक है? इंतजार मार किया करो, जैसे मैसेज डालेंगे तो भी हमारे लिए ध्यान है। क्या 11:50 से क्लास है, 11:50 से क्लास आपको खुद से आ जाएगा, ठीक है?